साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी, आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार की ट्रिपल टी की नीति ने कोरोना के बढ़ते स्तर को नीचे खींचने में कामयाबी पाई है। यूपी सरकार की नीतियों का असर अब कोरोना संक्रमण पर लगाम ला रहा है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 173 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 21 जिलों में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अपने अंतिम चरण में है। महामारी का ग्राफ लगातार कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 173 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 328 मरीज उपचार के बाद डिस्चार्ज किए गए। दूसरी तरफ पिछले 24 घंटों में 40 राज्यों में 40 मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 3 से ज्यादा है। आपको बता दें कि हालांकि में यूपी ने टीकाकरण अभियान के तहत लक्ष्य को 6 दिन पहले ही हासिल कर लिया है। 30 जून तक प्रदेश में 1 करोड़ का टीकाकरण लक्ष्य रखा गया था। संक्रमण के मामले कम होने के बाद राज्य में 21 जून से बाजार, मॉल व रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं, लेकिन इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं और मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें अभी भी अनिवार्य हैं। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में राज्य के 21 जिलों में से एक भी व्यक्ति का कोरोना से संक्रमण होना नहीं पाया गया है। वहीं यूपी के 52 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के 10 से कम मामले हैं। साथ ही साथ प्रदेश के बाकी बचे 2 जिलों में भी 20 से कम मामले दर्ज हुए हैं। इस लिहाज से कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या अब तक तेजी से कम होती जा रही है। सरकार के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। कोरोना के संक्रमण पर यूपी सरकार काबू में लाने में कामयाब होती नजर आ रही है, लेकिन अभी भी जरा सी ढिलाई फिर से संक्रमण फैला सकती है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।